اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. ये खूब समझ लें, खोपड़ी घूमती है ना जिसकी बात बात पर, वो क़यादत और लीडरशिप के काबिल नहीं होता। खूब समझ लें, अल्लाह ने मर्द को घर का लीडर बनाया कि नहीं बनाया, सरबरा बनाया कि नहीं बनाया? अगर इसकी खोपड़ी घूम रही है ना बार बार, ये घर चलाने के काबिल नहीं है। ये तलाक़ें देगा, घर तबाह करेगा। कल का केस है, एक साहब आए और बताया कि बहनोई ने खड़े खड़े बहन को 3 तलाक़ें दे दी। लोग फिर बेचारे टेंशन में होते हैं, रो रहे होते हैं, घर तबाह हो गया बहन का, सिस्टर का। मैंने उनको तसल्ली दी, मैंने कहा देखो आपका जो बहनोई है, बात ज़रा सी थी और मुंह पे कंट्रोल नहीं, ये धड़ाधड़ निकाल दी। अब जो इस्लाम पे एतराज़ करने वाले लोग हैं ना, वो तो बड़े आराम से एतराज़ कर लेते हैं कि यार इतना हंसता बसता घर बच्चे, 3 लफ्ज़ों पे इस्लाम ने उसको ख़त्म कर दिया, 3 लफ्ज़ों पे। लेकिन आपको पता है कि इस्लाम की हिकमत क्या है इसमें? इस्लाम ने दरहकीकत इसमें बता दिया है कि जो गुस्से में ज़बान पे कंट्रोल नहीं कर सकता, उसमें ये एबिलिटी, ये काबिलियत है ही नहीं कि वो घर चला सके। घर चलाना बर्दाश्त वाले लोगों का काम है। तभी तो कुरान कहता है कि वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो अल्लाह से डरता है, डरते का मतलब इन आयतों में क्या है, ज़बान पे गुस्से के वक्त कंट्रोल करता है, धड़ धड़ तलाक़ें नहीं निकालता। अल्लाह उसके लिए मुसीबतों से निकलने के रास्ते रखते हैं जो नहीं डरता अल्लाह से, ब्रेकें फेल हैं उसकी, तो वो अपनी जान पे जुल्म करते हैं। तो मैंने उनसे कहा जिस आदमी को गुस्से में अपनी ज़बान पे इतना भी कंट्रोल नहीं है कि धड़ धड़ तलाक़ें निकाल दी, कल उससे क्या तवक्को की जा सकती है? कल वो इसका सर भी फाड़ सकता है। आज बड़े आराम से तलाक़ें दे के कह देते हैं यार मैं गुस्से में पागल हो गया था, भाई तेरे हाथ में बंदूक होती तो बंदूक से मार देता, बड़े आराम से कह देता मैं गुस्से में बोलो पागल। ये हमारे फहद भाई कैमरामैन है, ये हमारे फहद भाई, ये कभी मुझसे बाइक मांग रहे होते हैं, कभी गाड़ी मांग रहे होते हैं, माशाल्लाह अपने आदमी हैं, इसके बयान करने में कोई हर्ज नहीं। एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई ना मुझसे बाइक मांगो ना मुझसे गाड़ी मांगो। कह रहे क्यों? मैंने कहा तुम कहीं ठोक ठाक दोगे, फोड़ फाड़ दोगे, तुमने 2 लफ्ज़ बोलने हैं सॉरी, यही है ना, मैं क्या कर लूँगा भाई तुम्हारा, क्या ख्याल है? अबे भाई गाड़ी ले जाके तुमने फोड़ दी, अब नौजवान है ना, लौंडे लपाड़े हैं आपको उम्र, अब टीन एजेस लड़के हैं, ये तमीज़ से तो चलाएंगे नहीं। कभी किसी टीन एजेस लड़के को तमीज़ से बाइक या गाड़ी चलाते हुए देखा आपने? कभी भी नहीं देखा हो, इल्ला माशाल्लाह। मैंने कहा तुमने ले जाके कहीं फोड़ देनी है, खंभे से तोड़ देनी है, ये एक दफ़ा फोड़ भी चुके हैं और घुन्ने बन के चुपके से ला के खड़ी कर दी। मैं देख रहा हूँ ये हुआ क्या है, 1 हफ्ते बाद पता चला। ठीक ठीक, तो मैंने कहा तुमने कहीं फोड़ फाड़ देनी है और मैं क्या बिगाड़ लूँगा, आप बताओ ना, तुम बोल दोगे सॉरी तो मैं कुछ कर सकता हूँ? मैं क्या केस करूँगा या मैं तुमसे पैसे मांगूंगा? मैं अगर पैसे मांगूंगा तो पैसे कहाँ हैं मेरे पास? ठीक है ना, यही बोलोगे ना। तो मैंने, खैर ये तो आपस की बात है, एक मिसाल देने के लिए, मिसाल देने के लिए, तो मैंने कहा कि ये जो धड़ 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 3 तलाक़ें निकाल दी, अब बड़े आराम से घुन्ना बना हुआ कह रहा है कि यार मिस्टेक, बाय मिस्टेक, गुस्सा गुस्सा कह रहा है ना, कल यही आदमी चाकू मार देगा, कहेगा यार मैं गुस्से में क्या हो गया था, पागल। और हो रहे होते हैं लोग, कल यही गोली मार देगा और गुस्से में, और करते हैं लोग। अब तो मीडिया इतना फास्ट हो गया है, सोशल मीडिया हर चीज़ लोगों के सामने ला के रख दी। आपने कुछ वक्त पहले वाकया नहीं देखा, मासूम दूध पीती बच्ची रो रही है, बाप गुस्से में आके उसके गोली मार देता है, ये हो रहे हैं वाकयात।
तो ऐसा आदमी अगर गुस्से में तलाक़ें निकाल दे और शरीयत कंप्रोमाइज़ का दरवाज़ा बंद कर दे, खुदा की कसम ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि कल ये बीवी के गोली मार देता, कल चाकू मार देता, कल मुंह तोड़ देता उसका, बाजू तोड़ देता। अल्लाह की हिकमतों और मसलहतों को पूरे तौर पर अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं समझ सकता। हमारा इल्म नाकिस, हमारी नॉलेज नाकिस। अल्लाह जब कानून बनाता है तो सारी दुनिया को देख के बनाता है, किसी एक शख्स के मफाद नहीं देखता। अल्लाह मियां ने जो मर्द को घर का सरबरा बनाया और उसे तीन फायर चैम्बर में डाल के दे दिए कि इसी से पता चल जाएगा कि तू घर बसा सकता है या नहीं बसा सकता, और ये राइट औरत को नहीं दिया, क्योंकि वो जज्बाती होती हैं, उनको अगर ये राइट दे दिया जाता ना धड़ धड़ तलाकें तो हम सारे बेवा होके बैठे हुए होते अभी। हकीकत औरत की ये नेचर है, ये माहिर नफ्सियात कहते हैं, सिर्फ इस्लाम नहीं कहता, वो गुस्से में एकदम हाइपर होती है। यकीन ना आए, ख्वातीन को गुस्सा आता है जब मैं ऐसी बातें करता हूं, क्यों हाइपर होते हैं, हम तो बर्दाश्त है। भाई देखो, रोना पहले किसको आता है? औरत को आता है। इसका मतलब आप हाइपर ज्यादा हैं, और ज्यादा रोना आता है और वो खत्म भी जल्दी होता है। मैयत पे आप देख लें, बाप का इंतकाल जब हो जाए तो बेटियां ज्यादा रो रही होती हैं, बेटे कम, लेकिन थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे, आम तौर पे कायदा कुलिया नहीं है, बेटे गम जल्दी भूलते नहीं हैं, बेटियां जल्दी भूल जाती हैं। ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, इसी में खैर है। और ये माहिर नफ्सियात की बात मैं कर रहा हूँ, ये जो मैंने, ये हवाई बात नहीं है। माहिर नफ्सियात, अमेरिका से एक किताब छपी थी, वो वहाँ की माहिर नफ्सियात डॉक्टर्स ने लिखी थी। हमारे दोस्त कहते हैं आप किताब का हवाला दे दिया करो, आप नाम बता दिया करो उस डॉक्टर का, इससे बयान में जान पैदा हो जाएगी। असल में बात ये होती है कि इस टॉपिक पर बात करने के लिए तो मैं बैठा नहीं था ना। अगर मैंने पहले से ये टॉपिक सेलेक्ट किया होता तो मैं नाम भी देख के आता, क्योंकि वो किताब पढ़े हुए भी हमको 15-20 साल हो गए, तो ये बात तो दरमियान में ज़िमनन आ जाती है। तो इसलिए ना मुझे डॉक्टर का नाम याद है ना उस किताब का नाम। तो कोई पूछेगा तो तहकीक करके फिर हम बता देंगे ये किताब थी। यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये किसी किताब में लिखा है, ये नहीं आप कह सकते कि मुफ्ती साहब आप जो बातें कर रहे हैं ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, ये किसी किताब में लिखा हुआ है। तो माहिर नफ्सियात लेडी डॉक्टर यूएसए या यूके की, ये उसकी रिपोर्ट है कि औरत में भूलने का अंसर मर्दों की निस्बत ज्यादा है। औरत गम को भी जल्दी भूलती है और मोहब्बत को भी जल्दी भूलती है। कुरान हदीस तो कहते हैं ये, लेकिन लोग कुरान हदीस को कहां मानते हैं, लिबरल तबका। माहिर नफ्सियात कहते हैं ये, यहां के नहीं वहां के। उन्होंने मिसाल दी है कि मियां बीवी में जब सेपरेशन होती है ना, मोहब्बत अगर हो तो मर्द बीवी को बहुत अरसे याद रखता है, औरत बहुत जल्दी बोलो भूल जाती है, वो नए मियां के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही होती, पुराना वाला उसको, वो पुराने वाले को अपनी पुरानी वाली याद आती रहेगी बहुत अरसे तक। ये नेचर है, और ये अल्लाह ने नेचर बनाई है निज़ाम को चलाने के लिए। अगर औरत भी नहीं भूलती ना तो फिर वो नए मर्द से वफा नहीं करती। अल्लाह ने उसकी फितरत ये बनाई है कि बस छोड़ दिया ना उसने, थोड़े दिन रो दो फिर भूल जाओ उसको, नया वाला। अगर वो पुराने वाले को याद कर रही होती तो नए वाले को गुस्सा नहीं आता, फिर मुझसे शादी करने की ज़रूरत क्या थी जब पुराना इतना अच्छा था ना। यहाँ नए वाले भी बैठे होंगे, कुछ पुराने वाले बैठे होंगे तो ये अल्लाह ने बनाया उसको कि भाई ये तुम जो है उससे दिल लगाओ पुराने वाले को। तो अल्लाह ने उसकी नेचर ऐसी बनाई है।
फिर कमजोर है तो उस पर ज्यादा बोझ नहीं डाला। अगर वो ज्यादा याद रखेगी तो टेंशन में जाएगी ना, टेंशन में जाएगी, तो इसलिए वो हाइपर होती हैं बहुत जल्दी। तो सब नहीं होती, जो बयान सुन रही हैं वो बहुत माशाल्लाह उनमें तो आपको बताया जज्बात कंट्रोल में, और जो मर्द मेरा बयान सुन रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ बहुत अच्छे हैं, जो नहीं सुन रहे वो हाइपर हो जाते हैं। तो खैर असल बात जो मैं अर्ज कर रहा था कि जो जल्दी से हाइपर होना, एकदम ठका ठका एकदम पागल हो जाना, सभी होते हैं, हम भी हो जाते हैं, कोई हम कोई बहुत ज़्यादा नेक नहीं है। हम तो इसलिए बयान कर रहे हैं कि ताकि अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। कई दफ़ा तो हमने हाइपर पने के खिलाफ बयान किया है और घर जाके हम खुद हाइपर हो गए, खाना नहीं मिला, ये कोई ऐसी बात कहती। मैंने बताया था ना, मैं वॉशरूम से निकला, अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था, मेरा सर टकरा गया। मैंने घर में बच्चों से कहा कि भाई ये बेटा किसने अलमारी खोली हुई है, सर टकरा गया। जी एच की उसे फ़ौरन रिप्लाई आया कि इंसान को ख़ुद भी देखना चाहिए। तो बच्चों ने अगर गलती कर भी दी है तो आंखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुली हुई हैं, तो जी एच की तो आपको पता है फ़ौरन रिप्लाई करता है, आर्मी फ़ौरन एक्शन लेती है जी, ठीक है ना। तो लेकिन खूब समझ लो कि जो सरबरा है अगर उसमें बर्दाश्त नहीं है तो वो घर नहीं चला। अल्लाह ने मर्द को घर का सरबरा इसलिए बनाया है कि उसमें बर्दाश्त ज़्यादा है, और अगर आजकल के मर्दों में जो बर्दाश्त ख़त्म हो गई है तो फिर अल्लाह उनसे घर बसाने की नेमत छीन लेता है। वो धक्के खाते रहते हैं, तलाकें देंगे फिर उधर शादी, फिर तलाकें दी फिर उधर शादी, फिर जो जिंदगियां फिर तलाकों के बाद होती है, मर्द भी बर्बाद और उस औरत का तो बेड़ा गर्क हो ही जाता है बेचारी का। तो इसलिए ये इस्लाम ने जो है ना बहुत आसान बना दिया डिवोर्स को, लेकिन कहा है कि ये तुम्हारी ज़बान से निकलेगा तो ये चाकू है, ये रिवर्स नहीं होगा। पहले आप देख लो, हम अपने बाप दादा को देखते थे, माँ बाप को देखा हमने, अपने बड़ों को देखा, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, गुस्से भी होते थे, इख्तलाफ भी होते थे, ज़बान से तलाक का लफ्ज़ बोलो नहीं निकलता, ये नहीं निकलता था भाई, ये तो होंठ को सी दिया है, ये नहीं निकलेगा कुछ भी नहीं। माएँ बच्चियों को कहती थी बेटा डोली आई है ससुराल में, तो अब जनाजे की खटोली निकलेगी, अब क्या निकलेगी, जनाजे की चारपाई उठेगी, ऐसे नहीं आ जाना वहाँ। आज तो ऐसे पागल हुए हैं यार, खोपड़ी घूमने को ना कमाल समझा गया है। यानी नौजवान आदमी फख्र से बता रहा होता है अपने दोस्तों को कि दोस्त को कह रहा होगा तुझे तो पता है तेरे भाई की खोपड़ी घूमती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। अबे ये तो गधे होने की अलामत है, ये कोई इंसान होने की अलामत नहीं है। तेरे भाई की तो खोपड़ी घूमती है फिर तो मुझे देखता ही नहीं हूँ। मेरे सामने देखो इतने केसेस आते हैं ना, मुख्तलिफ डिज़ाइन के लोग, मैं मुलाकातों का टाइम देता हूँ ना, मैं पता है इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि इंसान की बर्बादी में उसकी खोपड़ी घूमने का जितना दखल है इतना किसी और चीज़ का दखल नहीं है। खोपड़ी घूमने से ऐसी ऐसी गलतियाँ करता है, लोग मेरे पाँव में गिर के रो रहे हैं, ऐसे ऐसे केसेस आए हैं कि हजरत हमारी खोपड़ी घूमी थी हमने ये कर दिया, आप उसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हैं, मुझे कह रहे होते हमें बचा लो, कत्ल कर दिया किसी ने खोपड़ी घूमी, ऐसे केसेस हैं। मैं मुबहम किरदार को मुबहम रख के वाकयात सुनाता हूं ताकि किसी का जहन ना जाए। ऐसे केसेस हैं, किसी बात कोई खबर मिली एकदम एक्साइटेड हो गया, एकदम जज्बाती हो गया, और पिस्टल आजकल लोग रख लेते हैं आराम से, भी लाइसेंस बन जाता है, ले जाके बंदा मार दिया। बंदा मारने के बाद जो बंदों की तरफ से और उसके रिश्तेदारों की तरफ से रिएक्शन आया, अब वो बर्दाश्त बोलो नहीं हो रहा, अब वो पागलों की तरह जिंदगी बर्बाद हो गई, केसेस हो रहे हैं, पुलिस अलग पकड़ रही है, भाग रहे हैं कभी इधर कभी उधर। अब सोच रहे हैं कि यार उस वक्त गुस्से में काबू कर लेते, जिस बंदे को मारा उसको मारना बनता था या नहीं था ये तो एक अलग बहस है। आप तो ये देखो कि मारना अगर बनता भी है तो मारने के बाद जो रिएक्शन होगा वो आप बर्दाश्त कर सकते हो, वो कैसे बर्दाश्त करोगे आप,
آپ بس یہ دیکھ رہے کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں. کام صحیح نہیں, کام کا آگے ریئیکٹ کیا ہوگا, تپڑ ہے آپ میں. طلاق میں بھی تو یہی ہوتا ہے, آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس بیوی کو میں طلاق دوں گا یہ تو بالکل خراب ہے اس کو فوراً دے دو. دینے کے بعد جو ری ایکشن ہوگا آپ کے بچوں کا کیا ہوگا, آپ آگے مسائل کھڑے ہوں گے, دوسرا رشتہ آپ کو چاہیے, یہ ساری چیزوں پہ غور کر لیا. لیکن نہیں جی, آپ کہاں غور کرو گے, آپ تو وہ ہو کہ آپ کی کھوپڑی گھومتی ہے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. تو آپ اپنی کھوپڑی تو گھوم گئی ہے, اب جن کی نہیں گھومی ہوئی ان کی بھی لا کے سارا دن گھما رہا ہوگا بیٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, ایک صحابی کو, بار بار یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ ان فی کا خصلتین یحبہما اللہ ورسولہ, تمہارے اندر دو خاصیتیں ایسی ہیں جس کو اللہ اس کے رسول بہت پسند کرتے ہیں. یہ بار بار میں حدیث, مجھے اس حدیث کے بیان کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے نبی کسی کے چہرے پہ تعریف کر رہے ہیں, حالانکہ نبی نے چہرے پہ تعریف سے منع کیا ہے, لیکن یہ اتنی پیاری صفات تھی ان صحابی کے اندر کہ نبی خود منع کرنے کے باوجود ان کے چہرے پہ تعریف کر رہے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام قاعدے سے وہ مستثنی ہو جاتی ہیں. بھائی یہ تو ایسی خاندانی صفت ہے کہ یہ تو ہم بیان کریں گے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو, یہ چھوڑ نہ دیں. اور میں کسی کے چہرے پہ اس کی تعریف کروں, غلطی ہو سکتی ہے, بھائی ہم انسان ہیں, کوئی وہی تھوڑی ہے, ہمارا تجزیہ ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی. نبی جب تعریف کریں تو اسٹیمپ لگا دی, صحابی کتنا خوش ہوتے تھے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے ان تعریف کرتے تھے نا, تو صحابی کا دل بہت باہ باہ ہوتا تھا. خوب سمجھ لیں, اپنی تعریف سن کے خوش ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ نیچر ہے انسان کی. اترانا یہ بری چیز ہے, اپنی تعریف سن کے چوڑے میں آ جانا کیا ہے. ابے بھائی آپ جب آج کل کسی کے سامنے اس کی تعریف کرو نا, کہہ رہے میرے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, کوئی میری تعریف کرے میری برائی کرے, اس کا مطلب تو گدھا ہے, تو انسان نہیں ہے. انسان پہ اثر پڑتا ہے, اس کی برائی کرو تو غصہ آئے گا, مطلب برا لگے گا اس کو, تعریف کرو تو اس کو خوشی. تو خوشی ہونا یہ نیچر ہے. ہاں بات یہ ہے کہ آپ اتنانا نہ شروع کر دیں اور اپنی اوقات نہ بھول جائیں. بعض دفعہ آپ کسی نے آپ کے سامنے تعریف کی, آپ میں یہ کوالٹی بہت اچھی ہے, اگر آپ میں واقعی ہے تو آپ بولو بھائی اللہ کا فضل ہے, اللہ کی دین ہے. اپنی اس نسبت کس کی طرف کر لو, اللہ کی طرف. اور دوسرا کام یہ کرو کہ اپنی برائیوں سے نظر نہ ہٹاؤ. آدمی اپنی تعریفیں سن کے اپنی خامیوں کو بھول جاتا ہے, یہ ایک خطرناک کام ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو ایسے لوگ اپنے سامنے رکھا کرو جو آپ کی برائیاں بھی کرتے رہیں, تاکہ بیلنس رہے. بیلنس تو بہت ضروری ہے نا, بیلنس ہی ختم ہو گیا کال کرنے کے قابل رہتے ہو آپ, یہ وہ والا بیلنس نہیں ہے, یہ دوسرا بیلنس. تو ایسے لوگ بھی رکھو, اگر کوئی تعریف کر رہے تو آپ کی برائی بھی کر سکے. اب اس میں انسان کو اگر تکلیف ہوتی بھی ہے تو تھوڑی دیر برداشت کر کے سن لے, یہ سوچ لے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ, اور آپ دیکھو گے غور کرو گے تو لگے گا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ جو بھی سربراہ ہوتا ہے نا گھروں میں, یہ ہائپر ہونا, ہاں ہو ہو ایک دم غصے میں پاگلوں کی طرح, تو یہ آدمی گھر بسانے کے قابل بولو نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے مرد کو ڈیورس کا حق بھی دیا, الفاظ بھی اس کو دے دیے زبان میں, اور اب کہہ دیا کہ یہ چلانا ہے, برداشت کرنا ہے. یہ طلاق کے الفاظ جذبات میں نکالنا خود اس کی علامت ہوگی کہ یہ آدمی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے, یہ پاگل ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/MuftiTarikMasood کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.